वेतन समझौता करना होगा, साथ में पेंशन कई साल से नहीं बढ़ी है तो पेंशन कर्मचारियों। और निश्चित रूप से सरकार के पास ये मैसेज जाएगा और सरकार अपने निर्णय पे पुनर्विचार करने को मजबूर होगी। साथियों, इतिहास गवाह बचाने के लिए इसी तरह से संघर्ष करते रहना चाहिए। हम जब एकजुट रहेंगे तो निश्चित रूप से सरकारों को अपने निर्णय बदलना पड़ेंगे और हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री पे जो आया खतरा हो। बैंकों ने विलयकरण करके हमारे यहाँ पर एनपीए बढ़ा दिया। यूपीए सरकार में केवल 26.7% एनपीए था, जो एनडीए की सरकार में 57% एनपीए हो गया। इसका जिम्मेदार बैंक कर्मचारी नहीं है, ये विलय करके बैंकों का को मर्जर करके बड़ी बैंक बना करके ऊपर से आदेश दे करके बड़े घरानों को लोन दे देते हैं और वो डूब जाते हैं, जैसे माल्या चोकसे और आपका नीरव मोदी। ये यहाँ से 15,000 करोड़ रुपए लेकर के चला गया, परंतु बैंक कर्मचारियों को वसूल करने का अधिकार नहीं है। सरकार को कानून बनाना चाहिए कि इनके ऊपर तत्काल FIR दर्ज करके इनको गिरफ्तार करके और इनकी पूंजी को बेच करके इनके दुकानों को बेच करके बैंकों का ऋण पूरा करिए। माफी की घोषणा कर देती है, ये कहती है कि बैंकों का समझौता, बैंकों का जो वेतन समझौता इसलिए नहीं दे सकते हैं कि बैंकें घाटे में चल रही है। अरे बैंकों में कैसे घाटा चल रहा है? आपके अधिकार हमारे जो आज आपने किस लिए हड़ताल करी और क्या कहा? आज हम सरकार की जो ये मर्जर की जो नीति अपना रही है सरकार, उसके विरोध में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं और हम पेंशन का पुनर्निर्धारण करने के लिए और हमारे वेज रिवीजन के लिए हम सब लगता है। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं कि बैंकों का मर्जर रोका जाए, तुरंत प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि इससे बैंकिंग इंडस्ट्री पर खतरा पैदा हो रहा है और जो जनमानस को, जो भारतीय जनमानस को जो सुविधाएँ मिल रही वो कहीं ना कहीं उससे वंचित होगी। आज सभी बैंकों की हड़ताल है कि सिर्फ? आज सभी बैंकों की हड़ताल है और बैंक के सभी कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर। और कब तक हड़ताल रहेगी? आज की एक दिन की ये हड़ताल है और आगे भी हमारा संघर्ष इसी तरह से जारी रहेगा।